गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टार लाइफ पेट। गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक ए प्योरिटी ऑफ पिटबुल पपी। इस पपी के साथ आपको चेक करवाऊंगा, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी ब्रीड के बारे में। बुल की ब्रीड 18 सेंचुरी के दौरान जो है वो डेवलप की गई थी बुल्स और बियर जैसे एनिमल्स के साथ लड़वाने के लिए। लोग इनको लड़वाते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से, और पर आज के टाइम पे जो है इनका नाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है इस वजह से ही, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अगर हम पिटबुल को पालेंगे तो हमें काट लेंगे। छोटे बच्चे अगर घर में है तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब के बारे में ये सब मिथ्स बनाई गई हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग डॉग ब्रीड है और अपने ओनर के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पिटबुल्स को पेन नहीं होता अगर आप उसको मारते हो या कुछ भी करते हो, बट ऐसा नहीं होता। वो अपने ओनर की बात को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि वो ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते उनके चोट लग रही है या नहीं, और इस वजह से वो उस काम को करते रहते हैं जो उन्हें बोला गया है। तो बिना किसी देरी के आप चेक करते हैं प्योरिटी को। तो सबसे पहले जब आपको पपी लेना है तो बेस्ट तरीका ये है उसकी प्योरिटी चेक करने का, सबसे पहले आपको उसके मदर फादर को देखना है, पिक मिल जाए, वीडियो मिल जाए, और स्पेशली मेटिंग की वीडियो जरूर देखनी है। क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं, मेल अलग दिखा देते हैं, फीमेल अलग दिखा देते हैं और कह के आपको कुछ और थमा देते हैं कि इस मेल का पपी है या इस फीमेल का पपी है। अगर वो आपसे कहते हैं कि अगर ये मेल फीमेल का पपी है तो आपको एक मेटिंग प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप उस पपी को उसकी मदर के साथ छोड़ के देखिए, बाकी लिटर के साथ छोड़ के देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पपी उस लिटर का ना हो, किसी और लिटर का हो या जो भी है। क्योंकि पिटबुल में सबसे ज्यादा मिक्स ब्रीड कर देते हैं लोग, क्योंकि ये जब छोटे होते हैं तो ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। बाकी सेकंड ये है, आपको हेड साइज के बावजूद भी इसका हेड साइज इसकी बॉडी से काफी ज्यादा बड़ा है। सेकंड पॉइंट हो गया हेड साइज को चेक करना, बोन्स को चेक करना। थर्ड है टेल, टेल में कर्ल नहीं होना चाहिए कुछ भी, स्ट्रेट टेल होनी चाहिए। और दूसरा, टेल जो है वो जॉइंट से नीचे जाने चाहिए, बैक लेग से जो ये वाले जॉइंट है इनसे नीचे। फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि आपको पिटबुल की स्किन चेक करनी है। नॉर्मली जो डॉग होते हैं उनकी स्किन पे फैट होता है, अगर आप उनकी स्किन को पकड़ोगे तो वो छोटे पपीज चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, बट अगर आप पिटबुल की स्किन पकड़ोगे तो वो मसल से अलग होती है। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं पिटबुल एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है बहुत ज्यादा, तो उसकी स्किन जो है वो बॉडी से अलग होती है। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये जो ऐसे स्किन निकल रही है इसकी, एक सेकेंड ना, ये जो स्किन है अगर आप किसी और पपी की देखोगे तो उसमें फैट आएगा, बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये पिटबुल्स हैं प्योर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो उसे पकड़ के, सब देख सकते हो स्किन से पकड़ा हुआ है, बट ये बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जेन्युइन प्योर ब्रीड है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हेड साइज वगैरह सब आप देख सकते हो, मेरे पाम के बराबर का हेड है इसका, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा है। बोन्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आपको कभी नहीं मिल पाता किसी भी तरीके से, आपको प्योरिटी चेक करने में नहीं आ रही, तो सबसे बेस्ट तरीका स्किन का ही है। यही है, आपको बस स्किन को पकड़ना है और इसको ऐसे लटका देना। नॉर्मल पपीज जो होंगे वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, बट पिटबुल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनकी स्किन इनके मसल से अलग होती है, इन्हें उस वजह से पेन नहीं होता। तो सो गाइस, बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।